परिवार का महत्व। बाप मरा तो परिवार खत्म, माँ मरी तो सहारा खत्म, बीवी मरी तो भरोसा खत्म। बाप से अच्छा हमें कोई बाजार नहीं घुमा सकता, माँ से बढ़कर हमें कोई प्यार नहीं कर सकता, भाई से बढ़कर हमें कोई सहारा नहीं दे सकता, और बीवी से बढ़कर हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सूर्य और बाप की गर्मी सहन करना सीखो, क्योंकि ये दोनों जब डूबते हैं तब चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मौत जिंदगी से कितनी बेहतर है, जिंदा थे तब किसी ने पास बिठाया नहीं, अब खुद मेरे चारों ओर बैठे जा रहे हैं। पहले कभी किसी ने मेरा हाल न पूछा, अब सभी आंसू बहाए जा रहे हैं। एक रुमाल भी भेंट नहीं किया जब हम जिंदा थे, अब शॉल और कपड़े उड़ाए जा रहे हैं। सबको पता है कि शॉल और कपड़े इसके काम के नहीं है, मगर फिर भी बेचारे दुनियादारी निभाई जा रहे हैं। कभी किसी ने एक वक्त का खाना तक नहीं खिलाया, अब देसी घी मेरे मुंह में डाले जा रहे हैं। जिंदगी में एक कदम भी साथ न चल सका कोई, अब फूलों से सजाकर कंधे पर उठाए जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत जिंदगी से बेहतर है। श्री कृष्ण ने कहा है, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा, जरूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। समय का कैसा मोड़ है, रात दिन की दौड़ है। खुश रहने का समय नहीं है, बस खुश दिखने की होड़ है। दोस्त रिश्तेदार सबको आजमा के देख लेना, अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हें कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। चार दुर्लभ गुण, धन के साथ पवित्रता होनी चाहिए, दान के साथ विनय होना चाहिए, वीरता के साथ दया होनी चाहिए, अधिकार के साथ सेवा भाव होना चाहिए। चार से चार भाग जाते हैं, देवगुरु के दर्शन से दरिद्रता भाग जाती है, भगवान की वाणी से पाप भाग जाता है, जागते रहने से चोर भाग जाता है, मौन रहने से क्रोध भाग जाता है। चार से विवाद मत करो, कभी मूर्ख से विवाद मत करना, कभी पागल से विवाद मत करना, कभी गुरु से और माता पिता से विवाद मत करना। चार चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, पुराने कपड़ों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, गरीब साथियों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, पूरे माता पिता में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, सादे रहन सहन में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आज के लोग ऐसे हैं, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर रखना है कदम आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। खूबी और खामी दोनों ही होती है हर इंसान में, जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। बादशाह तो वक्त होता है, इंसान तो यूं ही गुरूर करता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती है, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। इंसान वो ही है जिसे दूसरों का दर्द महसूस हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया अवश्य देता है। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनुष्य को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अपने जीवन में कितना खुश है, बल्कि उसे ये सोचना चाहिए कि उसकी वजह से दूसरे कितने खुश हैं। इतनी छोटे बनिए कि हर कोई आपके साथ बैठे, और इतने बड़े बनिए कि जब आप खड़े हों तो कोई बैठा ना रहे। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करती है।
इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, एक दिन आपके लिए बीमारी बन जाएगा। अच्छा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। कुछ लोग विधियों को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल जीत इंस्पायर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।